हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं, साइन जेड माइनस पाई अपॉन जेड माइनस पाई व्हेन एवर जेड इज नॉट पाई, और अगर जेड पाई है तो वैल्यू है फंक्शन का 1, तो क्या यह डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले हम करेंगे एफ डैश एट पाई, ये हमें चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन, लिमिट जेड टेंस टू पाई एफ ऑफ हेड माइनस एफ ऑफ पाई हेड माइनस पाई। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट हो गया तो डिफरेंशियबल, अदरवाइज इट वोंट। लिमिट जेड टेंस टू पाई, व्हाट इज एफ जेड, साइन जेड माइनस पाई अपॉन जेड माइनस माइनस एफ ऑफ पाई इज 1 अपॉन जेड माइनस पाई। ठीक है, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई तो लिमिट जेड टेंस टू पाई, what is this, sin z minus pi z minus pi upon minus pi to the whole square। तो क्लियरली अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करने जाओगे तो 0/0 आएगा। वी नीड टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल में होता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लेते हैं डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आएगा cos जेड माइनस पाई, और इसका आएगा सिंपली 1, एंड दिस इज जेड स्क्वायर, सो 2 जेड माइनस पाई। ठीक है, ये आएगा। अभी फिर से लिमिट अप्लाई करोगे तो 0/0 आएगा। फिर से एक बार एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो लिमिट जेड टेंस टू 0 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 1 का डेरिवेटिव 0, एंड दिस इज 2। इसको अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे एज जेड टेंस टू पाई, साइन पाई माइनस पाई 0, 0 इज 0, ये तो फाइनाइटली एग्जिस्ट हो गया, एंड हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल। सो एफ इज डिफरेंशियबल एट जेड इक्वल्स टू पाई। ठीक है, होपफुली ये सवाल आप सभी को समझ में आओगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।